हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सुपर डिलीशियस, सुपर टेस्टी, सुपर सॉफ्ट और जूसी बालूशाही की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे एक कप मैदा और इसको अच्छे से छान लेते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और दिखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, कैसे बनाते होंगे। तो आज ये टिप्स और ट्रिक्स आप यूज़ करिए, आप बहुत अच्छी बालूशाही बना लेंगे। तो यहाँ मैंने डाला है एक चुटकी नमक, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबल स्पून दही और 1/4 कप हम डालेंगे इसमें घी। जिस कटोरी से आपने मैदा लिया है उसी से हम मेजर करके इसमें घी डालेंगे। हाथों की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, घी जो है वो अच्छे से मैदे में मिक्स हो गया है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी लेके इस मैदे को हमें इकट्ठा करना है। प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। हथेलियों में इस तरीके से पानी लीजिए, मैदे पर छिड़किए और मैदे को हमें अच्छे से इकट्ठा करना है। इकट्ठा इसलिए करना है क्योंकि हमें इसका डो तैयार नहीं करना है, यानी जो आटा गूंथते हैं हम वैसे नहीं करना है। अगर वैसे कर देंगे तो जो बालूशाही में लेयर्स बनती है वो नहीं बनेगी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी लेके मैदे को हमें इस तरीके से इकट्ठा करना है ताकि जो लेयर्स है वो बहुत अच्छे से बन के आए। सॉफ्ट होना चाहिए मैदा, बस आपको इकट्ठा नहीं करना है। पानी की कमी अगर रहेगी गाइस तो भी बालूशाही हार्ड बनती है, सॉफ्ट नहीं बनती, तो वो आप ध्यान रखिएगा। सॉफ्ट तरीके से इसको अच्छे से हम इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करिए, ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है ये। अभी इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे हम 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम छोटे छोटे बालूशाही तैयार करेंगे। पाँच मिनट के बाद अभी हम बालूशाही प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए आप किस तरीके से लेयर्स दिख रही है, तो थोड़ा थोड़ा हम पोर्शन लेंगे और छोटा छोटा बालूशाही का शेप दे देंगे। थोड़ा पोर्शन छोटा छोटा लेना है क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर हमने डाला है तो वो फूलेगा भी, इसीलिए हल्के हाथों से रोल बनाइए, छोटा सा गोल पेड़ा बना के इस तरीके से उसमें हमें खड्डा करना है नीचे तक, यानी आपकी उंगली आपके हथेली पर टच हो जाए वैसे। इससे बहुत अच्छे लेयर्स बनते हैं और बालूशाही जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो एक एक करके हम छोटे छोटे बालूशाही बना लेते हैं। इसी तरीके से सारे मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं। अभी हम इनको डीप फ्राई करेंगे घी में। मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप ऑयल में भी डीप फ्राई कर सकते हो। तो कढ़ाई में मैंने घी ले लिया है और इसको गर्म होने रखा है। जब घी कुनकुना हो जाएगा तभी हम इसमें जो हमने बालूशाही बनाई है वो इसमें डाल देंगे, यानी घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। एकदम कम पर रखिए गैस की आँच को, यानी गैस की फ्लेम को एकदम सिम पर रखिए और एक एक करके जो बालूशाही हमने बनाई है वो इसमें हम डाल देंगे। छोटे छोटे बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए घी जो है वो इतना ही गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और बालूशाही को कुक होने में, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने में लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं। धीरे धीरे जो बालूशाही है जैसे जैसे ये कुक होती जाएगी ये तले से ऊपर उठती जाएगी और घी में तैरने लगेगी। तो बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे ताकि ये इवनली कुक हो सके। और जब एक बार ये तला छोड़ देगी तो इसको हम टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जब हमने बनाई थी, छोटी छोटी बनाई थी, अभी ये फूल के कितनी बड़ी हो गई है। ऐसे इसको चलाते रहिए।
अभी घी पे ये तैरने लगी है, तो इसको मैं टर्न कर रही हूँ इवनली। बेसिकली इसको हमें डीप फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। गैस की फ्लेम को एकदम सिंपल रखना है। देखिए कितनी अच्छी लेयर्स दिख रही है और सुपर सॉफ्ट लग रही है। यही है इसकी पहचान, जब ये लेयर्स दिखने लग जाती है इसका मतलब जो आपकी बालूशाही है वो बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो अभी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो बालूशाही है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है, आप ये ध्यान रखिएगा इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन होते ही आप इसको घी से बाहर निकाल दीजिए। बहुत ही सुंदर कलर आया है। अब इस बालूशाही को हम बाहर निकाल देते हैं। बालूशाही को डीप फ्राई करने के बाद इसको साइड में रख देते हैं और इसके लिए हम चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी के लिए कढ़ाई में डालेंगे लगभग 1.5 कप शक्कर और शक्कर डूब जाने जितना इसमें पानी डालेंगे। शक्कर डूब जाए उतना इसमें पानी यूज़ करेंगे। इसमें हमको 1 तार की चाशनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। इलायची डाल दी है मैंने एक क्रश करके, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अभी इसमें डालूंगी मैं केसर, केसर के लच्छे लगभग 4 से 5, ताकि जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप फूड कलर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इसमें ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो चाशनी हमें 1 तार की चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए, नहीं तो जो बालूशाही है वो हार्ड बन जाएगी, इसीलिए चाशनी सिर्फ 1 तार की रखनी है। सो चाशनी रेडी है। अभी इसमें हम एक एक करके हमारी जो तली हुई बालूशाही है वो इसमें डाल देते हैं और लगभग 1/2 आवर के लिए इसको हम इसमें छोड़ देंगे। स्पून की सहायता से एक बार इसको प्रेस कर देते हैं और 1/2 घंटे तक इसको भूल जाइए। अच्छे से जो चाशनी है वो अंदर तक चली जाएगी। 1/2 घंटे के बाद गाइस बालूशाही हमारी रेडी हो गई है। फटाफट से इसको हम गार्निश करेंगे कटी हुई पिस्ता के साथ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी जूसी रसीली और लेयर्स वाली हमारी बालूशाही बनके रेडी हुई है। तो फेस्टिव सीज़न है, ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।